विश्वविद्यालय पौरियाँ बिलहर करा संत कबीर नगर से मिस्टर मणि जी के साथ आज कला उत्सव के प्रदर्शनी में इनके सहयोगी के रूप में कार्य करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज संत कबीर नगर के डार्ट पे कला उत्सव का आयोजन किया गया है। मित्रों, आप देख रहे हैं तैयारी चल रही है, आपको अंदर ले चलते हैं। हमारे मुकेश कुमार गुप्ता भाई काफ़ी शानदार नाव बनाए हैं, जो आप आइसक्रीम खा कर फेंक देते हैं, ये उसी से बनाया गया है, बहुत सुंदर। ये हमारे आध्या सर हैं और बहुत ही शानदार चित्रकारी उन्होंने किया है। सर, कुछ बताइए आप इसके बारे में। हमारी सब सर जीवन समस्याओं पर आधारित है। अभी हम सब जो नए कर्मचारी हैं उनके जो पुरानी पेंशन की जो बिल्कुल हम चल रही है, बिल्कुल हम सभी के लिए आवाज़ उठाई अपने चित्रों के माध्यम से। और अभी जो तमाम सांप्रदायिक तनाव हो रहे हैं, सारे धर्मों का सिर्फ मतलब इंसानियत है, सब हम ये भाईचारा सिखाते हैं, वही हमारा सच्चा धर्म है। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ और हम सभी लोग खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम सबको एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे अपनी कला संस्कृति दिखाने का मौका मिला और सभी लोगों ने दिखाया, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी वीडियो में जाइएगा नहीं, आगे बहुत कुछ है, बस देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पे सीमा निषाद दीदी कहूँगा, क्योंकि ये हमारे नवोदय विद्यालय से पढ़ी हुई हैं और सीनियर रही हैं, और इनकी भी चित्रकारी काफ़ी दमदार है, शानदार है, बेहतरीन है। तो कुछ बताएंगी इस चित्र के बारे में, बताइए। सबसे पहले मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जिस छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए, चाइल्ड लेबर को बढ़ावा ना देकर हमें उसको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए वर्ल्ड एग्जिस्ट में चाइल्ड लेबर 12 जून को बनाया भी जाता है। फिर सेकेंड वन है कि चाइल्ड लेबर के साथ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ हमें गर्ल्स एजुकेशन को भी बढ़ावा देना है, और गर्ल्स की पढ़ाई होगी तभी वो इनइक्वालिटी जो है पुरुष और महिलाओं के बीच में उसको समानता ला सकती है और अपना खुद से डिसीजन ले पाएंगी और बेहतर अपना भविष्य भी चुन पाएंगी। फिर देखिए, काफ़ी शानदार पेंटिंग बनाया है, स्केचिंग है, हाँ स्केचिंग है, और अलंकृता आपका नाम है, बहुत शानदार है। ये किसे बनाया मैडम? ये सर, ये एमसील से बना हुआ है। सर, एमसील से बना हुआ, देखिए काफ़ी सुंदर बना हुआ। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, बहुत ही शानदार लेख। स्थापना की थी, बिल्कुल गौतम बुद्ध, हाँ, शांति का प्रतीक ये चित्र है और काफी शानदार तरीके से बनाया इन्होंने। देखिए, ये माँ है अपने बच्चे को जो है, ये माँ का प्यार होता है, वो अनकंडीशनल होता है। हाँ, नहीं सर, बहुत शानदार बनाया आपने और बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया सर। मैं योगेंद्र कुमार यादव, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय आमडा, यहाँ एजुकेशन लगा हुआ है और मेरा थीम था चाइल्ड एजुकेशन, बच्चियों की पढ़ाई लिखाई पे है, ताकि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए ताकि वो आगे बढ़े, माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक, इसके बाद है स्टॉप चाइल्ड लेबर, यानी हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, स्कूल ना भेज के उनसे मजदूरी कराया जाता है, इसको बहुत ही जरूरी है। नहीं नहीं सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है बच्चे काम में लगे रहते, पढ़ने नहीं आते हैं, बच्चे हमारे देश के निर्माता है, यही हमारे भविष्य है, अगर ये पढ़ लिख लेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, तभी हमारा देश उन्नति करेगा। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर सर, थैंक यू। आप देखते ही समझ गए होंगे क्या दिख रहा है आपको। सर बताइए कुछ इस बारे में बताइए कुछ इसके। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जैसा कि इन्हें हमारे समझ से इनको दूसरा लौह पुरुष के नाम से जाना जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर,
इसीलिए लोहे से भी बनाया है, कील से मजबूत इरादे हैं, फौलादी इरादे हैं, तो इसीलिए इन्होंने कील से बनाया है। सुना है 4 किलो, 4.5 किलो, 4.5 किलो कील लगा है और काफ़ी भारी भरकम है, वजनदार है, दमदार है, शानदार है और बहुत सुंदर है। इसका भी थोड़ा नाम ले लीजिएगा, यूट्यूब चैनल, इनका एक यूट्यूब चैनल है आर्ट विथ राघव, हैसर बाज़ार में एक कार्यरत है, बहुत शानदार। मैं क्राफ्ट भी करती हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ, बहुत सारी स्पेश पेंटिंग वगैरह। इसमें कौन सा आपका है? क्राफ्ट का आइटम है और ये क्ले आर्ट है और ये क्राफ्ट में है, पेपर से बना हुआ है। ये पेपर से बना हुआ लग रहा है, पेपर कटिंग है, दिया का इस्तेमाल किया और ये क्ले आर्ट है, ये मिट्टी से बना हुआ क्ले योग जी, योगा का पोर्शन है, 6 पोर्शन है और ये तो कबाड़ जूट बहुत ही शानदार उपयोग करके जो भी थीम थी लगता है, घोसला हो, एक पेड़ हो, पक्षी का बसेरा हो, उस टाइप का सोच के बहुत ही अच्छा मन बना है। और मधुबनी पेंटिंग बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। समय पूरा हो चुका है और हम लोग अब अपनी अपनी पेंटिंग घर ले जाएंगे। सब लोग तैयार हैं भैया? यस। सभी लोग ले जाएंगे भैया? सबका नहीं ले जाएंगे, अपना। अरे अपना ही ले जाना है। अपने अपने पेंटिंग ले जा रहे हैं और बड़ी मेहनत किया है लोगों ने। भाई काफ़ी खुश हैं, खुश है भाई? बहुत खुश, अपनी पेंटिंग ले जा रहे हैं, बहुत सुंदर। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है तो बेटर और ऐसा होना चाहिए। अच्छा, और लग रहा हो कि ये अब आप घर ले जाएंगे? ये स्कूल ले जाएंगे? अच्छा, ले जाएंगे बच्चे से आएंगे। अरे बहुत ही, तो बहुत अच्छी बात है। ये पूरा विद्यालय पीछे आ रहा है, पूरा विद्यालय पीछे आ रहा है। आप तो आप कह रहे हैं कि हमारा तो अच्छा है।